नमस्कार, मैं मुस्कान वर्णवाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। आज बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ की गई मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। रक्सौल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा के भाई अशोक सिन्हा के घर से करोड़ों का सोना हुआ बरामद। गिरियक प्रखंड के घोसरावा गांव में मां आशापुरी मंदिर में नवरात्र में रहता है महिलाओं का प्रवेश वर्जित। प्राचीन काल से ही यहां होती आ रही है तांत्रियाण पूजा। दबंगों ने की उपमुखिया व उसके पति के साथ मारपीट। कार्रवाई नहीं होने से नाराज दंपति एसपी कार्यालय गुहार लगाने पहुंचे। अस्थावा थाना क्षेत्र की घटना। मंत्री नीरज कुमार का लोजपा नेता चिराग पासवान पर कसा तंज। कहा सीएम और पीएम के गठबंधन में दरार नहीं करार है। चिराग खुद सोचे कि चुनाव की सीधी लड़ाई में कहां खड़े हैं। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार पहुंचे रहुई। स्नातक चुनाव को लेकर जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। घरेलू विवाद में महिला ने जहर खाकर की खुदकुशी। कतरी सराय के बजराचक गांव की घटना। मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष। जो खुद राजनीतिक रूप से नाबालिग हो, जिसे बिजली के बारे में मालूम नहीं, वह घोषणा पत्र में बिजली बिल माफ करने की बात करता है। बच्चे को झांसा देकर बकरा लेकर भाग रहे चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परवलपुर प्रखंड की घटना। नालंदा खुदगंज में अनियंत्रित वाहन ने बच्चे को कुचला। इलाज के दौरान हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। भारत से टल गया कोरोना का खतरा। 3 महीने में पहली बार 47,000 से कम नए केस आए सामने। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में आज पेश होगा बिल। विधेयक की कॉपी ना मिले पर एएपी एमएलएज ने सदन में गुजारी रात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में ताबड़तोड़ सभाएं। अगले 2 दिनों में करेंगे 6 चुनावी रैलियां। पश्चिम बंगाल के चुनाव में फिर जागा सीएए का जिनन। कोरोना के चलते ठंडे बस्ते में चला गया था। एयर एम्बुलेंस से चेन्नई गए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। बोले सीएम हेमंत सोरेन टाइगर जल्द लौटेगा। एलएसी विवाद के बीच भारत के कब्जे में चीन का सैनिक। सेना बोली पीएलए जवान को लौटा दे। बंगाल में पूजा पंडालों में नो एंट्री जोन। कोरोना के चलते हाईकोर्ट का फैसला। दुर्गा पूजा पंडालों में सिर्फ आयोजकों को एंट्री, उनकी भी संख्या तय रहेगी। पूर्व मंत्री को आइटम कहने पर कमलनाथ ने दी सफाई। कहा नाम भूल गया था। कोरोना काल के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में 80% अभिभावक। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के लिए 392 पूजा स्पेशल ट्रेनों को आज से किया शुरू। चिराग पासवान ने बताया शीर्ष नेतृत्व से बात कर गठबंधन की नीति के तहत उतारे हैं बीजेपी के सामने उम्मीदवार। हाथरस कांड में बड़ा खुलासा। जेल में बंद आरोपियों में से एक निकला नाबालिग। हाईस्कूल की मार्कशीट आई सामने। बाज नहीं आ रही पाकिस्तानी सेना। कश्मीर में आतंक के लिए जैश लश्कर और हिजबुल को सौंपा काम। फ्रांस में टीचर का सिर काटे जाने के विरोध में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सावधान। इंडिया के डायरेक्टर से एनसीबी लगातार दूसरे दिन पूछताछ करेगी। रिया के भाई की कस्टडी आज खत्म हो रही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।